हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन एज यूजुअली आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस विद क्वेश्चन नंबर वन। पुअर एयर क्वालिटी हैज बीन अ कंसर्न इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम एंड हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन लाइट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। टू रेक्टिफाई दिस इशू मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज लॉन्च्ड रेज नेशनल प्रोग्राम, राइट? And the question is EESLs, यानी कि Energy Efficiency Services Limited's corporate office in Scope Complex has been taken up as a pilot for this initiative. जो EESL का corporate office है, उसके अंदर pilot project चलाया जाएगा. So the question is, which of the following is not the focusing area of this pilot project? जो ये pilot project है, उसका focusing area इनमें से क्या नहीं है? Okay? So let us discuss this. So guys, RAE stands for Retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety and efficiency, right? Long full form, but आपको अगर याद हो जाती है तो well and good. Retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety and efficiency is the full form of RAE, and it has been launched by Ministry of Power, which is headed by Mr. R.K. Singh. His Lok Sabha constituency is Ara in Bihar, right? And it is, guys, a joint initiative of EESL and USAID's Maitri program. USAID का एक program है जिसका नाम है Maitri. तो Maitri program और EESL का ये एक joint initiative है. And जो इसका pilot project है, we have already discussed कि जो EESL के corporate office में चलाया जाएगा, जिसमें कि तीन चीजों पे focus होगा mainly. सबसे पहला तो जो indoor air quality है, उसको improve किया जाएगा. Next जो energy की efficiency है, यानी कि जो air conditioners हैं, जितने भी उस office में, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जाएगा. नंबर थ्री, थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा टू ऑल द पर्संस व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट ऑफिस, राइट? सो दीज आर द थ्री एरियाज वेयर दिस पायलट प्रोजेक्ट विल फोकस, इंप्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी, थर्मल कंफर्ट एंड एनर्जी एफिशिएंसी, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट गाइस यूएसएआईडी, सो इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट. And it is an independent agency of the United States, and it was established, guys, in the year 1961, and its headquarters is in Washington DC, and it is the largest aid organization of the world. पूरी दुनिया में इतनी बड़ी aid organization नहीं है, और इसका काम वही है, guys, कि अगर कहीं कोई disaster आ जाता है, तो ये वहाँ पे help करता है. कहीं कोई भुखमरी है, तो वहाँ पे ही help करता है. कहीं बाढ़ आ जाता है, वहाँ पे help करता है. So it works to lift lives, build communities, and advance democracy. Right? So एरिया लाइफ के हर स्फेयर में अगर कहीं किसी भी तरीके की एड की जरूरत होती है, देन यूएसएड हेल्प्स द कंट्रीज, ओके? एंड द Maitri प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ यूएस इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड द यूएसएड. यूएसएड और मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये एक बायलैटरल पार्टनरशिप है रिगार्डिंग द एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम, राइट? इट एम्स एट स्पीडिंग अप द अडॉप्शन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम. पूरे देश में हमारे एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम होना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव, यही इसका एम है. एंड इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन कूलिंग, ये कूलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है. आप लोगों ने सुना होगा ईएसआई का कुछ समय पहले गाइडलाइंस भी आया था कि जो एयर कंडीशनर्स होंगे, जब भी वो स्टार्ट होंगे तो वो 24 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट होंगे. सो दिस गाइडलाइन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ Maitri प्रोग्राम और Maitri पार्टनरशिप, ओके? So this was about this news, guys. Now let's move on to the question. Question is, which of the following is not the focusing area of this pilot project? Option A is increased ventilation for dilution. Yes, this is absolutely correct. Increased oxygen level by adding artificial oxygen. No, artificial oxygen add nahi kiya jayega. So therefore, this option is absolutely correct. Monitoring and displaying of IAQ, energy efficiency upgradation. Okay, so yes, teen jo hamare hain, option A, C or D, these are absolutely correct. Option B is incorrect. So therefore, B is correct answer. Now let's move on to question number 2, which is about the Mano Darpan initiative, which was recently launched by Ministry of HRD. So children and adolescents may be more vulnerable and may experience heightened level of stress, anxiety and fearfulness, along with a range of other emotional and behavioral issues in this pandemic. To provide psychosocial support to students, Ministry of HRD has taken an initiative named as Mano Darpan. So the question is, under this initiative, many steps have been taken. Which of the following is not one of them? इनमें से क्या इस इनिशिएटिव के अंतर्गत लिया गया कदम नहीं है? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस. सो रिसेंटली मनोदर्पण इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हेडेड बाय रमेश पोखरियाल निशंक. हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार इन उत्तराखंड
and this has been launched to provide psychosocial support to students, teachers and families. स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, फैमिलीज को साइको सोशल सपोर्ट देने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है. एंड ये हम सब जानते हैं गाइस, बिकॉज ऑफ कोविड 19 हम सभी का जो साइकोलॉजिकल और जो हमारा मेंटल वेलबींग है वो उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, सो इस जो हमारा मेंटल वेलबींग जो बिगड़ चुका है उसको संभालने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, साइको सोशल सपोर्ट के लिए दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च, जिसका नाम है मनोदर्पण. And these are some components of this initiative. These are some steps that are to be taken in this initiative. Number one is that there are some advisory guidelines for student, teacher and families on what to follow, when to follow and how to follow. Okay, किस किस चीजों को कब कब follow करना है और क्या क्या follow करना है, ये पूरी detailed guidelines दी जाएगी for students, teachers and families. There is a web page available for this initiative on the Ministry of HRD website. There will be a national level database and directory of counselors. Directory बना दी जाएगी counselors की और उनके through उन सभी counselors को access किया जा सकेगा anytime, right? There will be a national toll-free helpline number जिसके through हम मदद ले सकते हैं if there is any kind of problem related to mental stress or anxiety, okay? There is a handbook on psychosocial support, enriching life skills and well-being of students. Interactive online chat platform होगा जिसके जरिए counseling की जा सकेगी, guidance किया जा सकेगा, ताकि प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सके. एंड देयर विल आल्सो बी वेबिनार्स, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज लाइक वीडियोस, पोस्टर, फ्लायर्स, कॉमिक, इस तरीके की चीजों के द्वारा जो सिटीजंस हैं उनको एंगेज रखा जाएगा, ताकि उनका ध्यान कोविड 19 के द्वारा होने वाले जो भी हमारा नुकसान है उसकी तरफ ना जाए और उनका जो मेंटल वेलबींग है वो बना रहे एज इट इज. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनिशिएटिव. So option A is national toll free helpline to arrange offline seminars. No guys, offline seminars ki koi baat nahi hai. So therefore the correct answer should be what? Option A. Option A is the correct answer. There is no provision of national toll free helpline for offline seminars. Okay, because this time offline seminars possible hi nahi hai. So option A is the correct answer. Now let's move on to question number 3. And question number 3 and 4 both are based on Global Skills Index that was recently released by Hayes PLC in Oxford. And so let us read the question number 3. Global Skills Index 2020 has been released by Hayes PLC and Oxford. Which of the following is not correct about the index? Inme se kya index ke bare mein correct nahi hai? All right, and these are the three statements. So let us guys first discuss about this index. So guys, this index keep the track of current trends in labor markets across the globe. अब देखो, हम सब जानते हैं कि कोविड 19 की वजह से पूरी दुनिया की जो मार्केट है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, उसके अंदर इफेक्ट आया है, राइट? सो उसमें से एक एरिया यानी कि जो लेबर मार्केट है उसके ट्रेंड्स को मैप करने के लिए, उसके ट्रेंड्स को ट्रैक करने के लिए दिस रिपोर्ट वॉज लॉन्च बाय हेज पीएलसी एंड ऑक्सफोर्ड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, टाइटल ऑफ द इंडेक्स, देन द टाइटल इज द ग्लोबल स्किल्स डिलेमा, हाउ कैन सप्लाई कीप अप विद डिमांड. The Global Skills Dilemma, How Can Supply Keep Up With Demand is the title. And there were total 34 countries in the index. And the number one is Luxembourg with a score of 6.8. With a score of 6.8, India has a score of 5.4. And at the bottom, it was China. China was at the bottom with a score of 3.7. Okay. And these are some parameters that were used to formulate this index, like education flexibility, labor market participation, labor market flexibility, talent mismatch, overall wage pressure in high skill industries, wage pressure in high skill occupation. These are the parameters that were used to formulate this index. And if you talk about India, so India ki position jo hai, wo theek thaak hai, koi bahut achhi nahi hai, 5.4 hai India ka score. Aur agar hum baat kare alag alag parameters ki, so India ka jo sabse zyada score hai, that is in labor market flexibility. India ke andar किसी भी तरीके का लेबर किसी भी तरीके का काम कर सकता है. और हमने देखा है सबने कि अगर कोई कारपेंटर है तो उसको मजदूरी भी करा ले तो वो भी कर सकता है हमारे देश में. एंड ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे वेज रेट जो होता है वो भी काफी ज्यादा ऊपर नीचे होता है. कोई कोई लेबर सस्ते में काम करता है, कोई लेबर महंगे में काम करता है. सो लेबर मार्केट जो है हमारी काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल है. एंड द मिनिमम स्कोर इंडिया गॉट इन एजुकेशन फ्लेक्सीबिलिटी दैट इज 0.7. ऑलराइट, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया इज 5.4. So this was about the Global Skills Index. Now what is the question? Which of the following is not correct? Okay, the report tracks the current trends in labor market across the globe. Yes, this is absolutely correct. Total 34 labor markets have analyzed. Yes, this is also correct. And India
scores 5.4 in this index. India ka jo score tha, that was 5.4. So therefore, the correct answer should be, guys, option D, all are correct. Option D, all are correct, will be the correct answer. Now, what was the question number 4? Which of the following countries topped the index? So, abhi humne recently padha, Luxembourg topped the index with a score of 6.8. Okay. So, now let's move on to last question, which is about the US-India Strategic Energy Partnership. Guys, isko hum already detail mein padh chuke the, but isme kuch action plans ko abhi announce kiya gaya hai by the government of India and also the government of US. So, usi ke baare mein hume padhna hai. That is also not in detail. Wo bahut zyada detail mein nahi hai. Bas ek ek do do lines padhni hai hume, taki agar aapke exam mein question aaya isse related, so you can you will be able to tackle this, right? So question number 5 is, sustainable growth is one of the pillars of the US-India Strategic Energy Partnership, which is co-chaired by Niti Aayog and USAID. This is very important, alright? This pillar brings together Indian and American researchers and decision makers to collaborate in some focal areas, except iske kuch focal areas hain guys, aur hume batane inme se wo focal area kaun sa nahi hai. So there are 3 focal areas. Agar aapko yaad ho, humne pehle bhi ye padha hai that in the sustainable growth pillar, there are 3 focus areas, and these 3 focus areas are energy data management, energy modeling, and production of promotion of low carbon technology. So these are the 3 focal areas of the sustainable growth pillars. And can you tell me the name of the other 3 pillars? Write down in the comments. I have already told you this, that there are 4 pillars of the US-India Strategic Energy Partnership. Out of 4, one is sustainable growth. And now, can you tell me the name of the other 3 pillars? Write down in the comments, guys, please. So, yahan pe ye tino hi iske focal areas hain. So, therefore, the correct answer should be what? Option E, all are the focal areas. And so, these are the 3 focal areas: energy data management, energy modeling, promotion of low carbon technologies. And if you talk about the recent announcement, so abhi recently in the field of energy data management, Indian and US agencies have announced that they will form an energy energy dashboard, right? So ek energy dashboard banaya jayega jiske through jitne bhi energy se related stakeholders hain un sabhi ko ye jankari mil jayegi ki energy ki demand kitni hai, energy ki supply kitni hai, energy ki production kitna hai, in future energy ki kitni zarurat padegi, kis kis tarikon se hum apne energy ko bacha sakte hain. So basically ek data management hoga uske is energy dashboard ke through, and this is very necessary if we want sustainable growth in the field of energy sector, right? And if you talk about energy modeling, so modeling ke liye aur long term energy planning ke liye sabhi researchers from India and US, national and international government, sabhi governments ko saath liya jayega, aur jitne bhi related stakeholders hain sabhi ko saath liya jayega for the model modeling and long term energy planning. And energy modeling, maine aapko pehle hi bataya tha, energy modeling ka matlab kya hota hai ki ek मॉडल बनाया जाता है ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी सिस्टम, एंड उस मॉडल से ये डिटरमाइन किया जाता है कि दैट हाउ एफिशिएंट एंड हाउ कॉस्ट इफेक्टिव विल दैट एनर्जी सिस्टम विल बी. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, तो प्रमोशन ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ऑन बोथ द साइड सभी ने एग्री किया है, और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के टूवर्ड्स काफी बड़े बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे इन फ्यूचर. सो ऑल द गाइज, this might not be asked in your exam, ये exam में नहीं पूछा जा सकता, but yes, अगर कोई ऐसे आ जाता है आपका energy से related, so you can keep these points in that essay, alright? So now let's move on to the question. Question is option E, all are focal areas. Okay, so that's it for the session today, guys. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel. I understand आज कुछ ज़्यादा news नहीं थी, तो हमने थोड़े कम news में ही आज काम चलाया. बिकॉज गाइज पीआईबी में आजकल न्यूज बहुत कम आ रही है, सो कोई बात नहीं, हम फिर भी 5 क्वेश्चंस आपके पास डेली लेते आते रहेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.